हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीडू की हिंदी। आज हम लोग बात करेंगे कैसे आप प्रोडक्ट ऑनलाइन खरीद सकते हैं विथ ईएमआई, लेकिन इसके लिए आपको कोई भी क्रेडिट कार्ड की ज़रूरत नहीं है। अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग अभी करते हैं तो आप सभी को पता होगा कि जब आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तब आपको एक ऑप्शन दिखाई देता है, जैसे कि मैं आपको शो कर रहा हूँ ईएमआई ऑप्शन। लेकिन इसको जब भी आप सिलेक्ट करते हैं तब आपको क्रेडिट कार्ड के डिटेल्स या फिर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने की ज़रूरत है, यानी कि आपको क्रेडिट कार्ड होना बहुत ही ज़रूरी है। लेकिन मान लीजिए आपके पास क्रेडिट कार्ड नहीं है, तो आप सभी को पता है इंडिया में अभी सभी के पास क्रेडिट कार्ड नहीं है। ज़्यादातर यूज़र जो है बैंक होल्डर, तो वो लोग क्या यूज़ करते हैं कि एटीएम कार्ड या फिर उसको डेबिट कार्ड बोलते हैं, उसको यूज़ करते हैं। तो वैसे मेरे पास भी डेबिट कार्ड है, अभी मेरे पास क्रेडिट कार्ड नहीं है। तो मुझे मान लीजिए ये प्रोडक्ट ख़रीदना है तो मैं कैसे खरीद सकता हूँ, तो उसके लिए मैं कुछ थर्ड पार्टी ऐप यूज़ कर सकता हूँ, जिसको मैंने ऑलरेडी प्ले स्टोर में बहुत सर्च करके टेस्ट करके आपके सामने पेश किया है। इसके अलावा भी बहुत सारे ऐप हैं, लेकिन आखिर में मुझे लगा यही सही है, तो मैंने शॉर्ट आउट करके आपके सामने तीन ऐप पेश किया है। तो तीन ऐप में मैं पहले बात करूंगा केजीबी, मैं नीचे से स्टार्ट करता हूं, ठीक है। नंबर थ्री में आता है केजीबी। तो ये ऐप बिल्कुल नया है, यहाँ पर आपको कुछ प्रोडक्ट नो कॉस्ट ईएमआई पे भी मिल जाएंगे, ठीक है। और आपको जो प्रोडक्ट चाहिए उसका फ्लिपकार्ट हो, अमेज़ॉन हो, कोई भी ऑनलाइन शॉपिंग साइट का हो, उसका लिंक लेके यहाँ पर पेस्ट करके गो कर दीजिए। एंड देन उसके बाद आपका जो डिटेल्स है फिलअप कीजिए, एंड देन आपको ईएमआई प्रोसेस होगा, देन आपको ईएमआई मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम है कि जिसकी वजह से मैंने इसको थर्ड प्लेस पे रखा है, वो है कि ये ऐप अभी सभी लोकेशन पे अवेलेबल नहीं है, सिर्फ कुछ स्पेशल लोकेशन पे अवेलेबल है, जैसे कि मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, पुणे, कलकत्ता एंड एक्सेट्रा। तो इस लोकेशन के अंदर अगर आप आते हैं तभी आप इस ऐप को यूज़ कर पाएंगे, वरना नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो उसके बाद आते हैं नंबर टू में, जो है कि किस्त। तो किस्त में अंदर आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, इसका भी कुछ लिमिटेशन है, लेकिन इसका एक प्लस पॉइंट है जिसके बारे में मैं बात करूंगा, जिसकी वजह से ये ऐप नंबर टू पोजीशन पे है। तो यहाँ पर भी सेम प्रोसेस है, आप कोई भी प्रोडक्ट यहाँ पर से सिलेक्ट कर सकते हो, या फिर ऊपर आपको फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर से आप डायरेक्टली जाके कोई भी प्रोडक्ट खरीद सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर लिमिटेशन की बात करें तो मैं दिखा देता हूँ आपको। तो यहाँ पर लिमिटेशन भी है एंड एक फ़ायदा भी है। तो ये है लिमिटेशन एरिया जो आप देख सकते हैं, एंड फ़ायदा क्या है, अगर इस लोकेशन के अंदर आप नहीं आते लेकिन आपके पास जो बैंक ऑफ बड़ौदा का एटीएम कार्ड है अभी, ठीक है, तो एटीएम कार्ड मतलब डेबिट कार्ड, उसको आप यूज़ कर सकते हो यहाँ पर से ईएमआई लेने के लिए, जो कि एक बहुत ही प्लस पॉइंट है, ठीक है। इसलिए ऐप नंबर टू पोजीशन पे है। इसके अलावा एक और ऐप आता है फिनोमेना। तो ये ऐप अभी नंबर वन पे मैंने रखा है, क्योंकि यहाँ पर एक चीज़ है कि अभी मैंने देखा कि बहुत सारे लोकेशन पे अभी अवेलेबल है, तो इसको आप इजीली यूज़ कर पाओगे, ठीक है। तो मैंने ऑलरेडी एक प्रोडक्ट सिलेक्ट करके रखा है, अगर आप पहली बार इसको यूज़ करेंगे तो आपको ऐसा शो नहीं करेगा, ठीक है। तो उसके लिए मैं अभी एडिट कर देता हूँ। अब बस आपका जो फ्लिपकार्ट या फिर कोई भी साइट का लिंक है यहाँ पर पेस्ट कर दीजिए, एंड उसके बाद सबमिट, एंड उसके बाद आपका डिटेल से फिलअप कर दीजिए, देन आपको जो लोन है वो सैंक्शन हो जाएगा, एंड आपको जो प्रोडक्ट है वो ईएमआई पे मिल जाएगा। एंड देन आपको मंथली पेमेंट करना होगा, जैसे कि आप नॉर्मली कर पाएंगे इस ऐप से ही, ठीक है, डेबिट कार्ड यूज़ करके ही। लेकिन एक बात आपको माइंड में रखना चाहिए, आपका मंथली इनकम 10,000 का है एंड आप ईएमआई लेना चाहते हैं 5,000 का कोई भी बहुत मतलब एक्सपेंसिव प्रोडक्ट का, तो ऐसा तो नहीं हो सकता। तो आपको समझना चाहिए कि आपका जो मंथली अर्निंग है, ठीक है, उसके ऊपर बेस करके 10% या फिर 15% ईएमआई आता है, ऐसा प्रोडक्ट खरीदिए तो आप ले पाएंगे। तो आप इस तीनों ऐप को यूज़ कर सकते हैं, इसका लिंक मैं नीचे दे दूंगा इस डिस्क्रिप्शन पे, वहाँ पर से आप लेके यूज़ कर पाएंगे। एंड थैंक्स गाइस, आज आप लोगों ने बहुत हेल्प किया, एंड आज तो पता है जियो का आखिरी दिन आने वाला है, तो पता नहीं इसके बाद क्या होने वाला है। तो थैंक यू, एंड लाइक करना मत भूलिएगा, एंड चाहे तो हम लोगों का चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए।